जनपद में महिला उत्पीड़न की नवीन घटनाओं को संज्ञान में लेने व उनके निस्तारण के उद्देश्य से सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग चंद्रमुखी देवी की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुआ है। बुधवार को ही जन सुनवाई में कुल लगभग 40 मामले आए, जिसमें से 34 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसके संबंध में सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो, सरकार महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लिया जाए और उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए उसके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों पर निगरानी रखी जाए और विवेचना न्यायपूर्ण हो। इस अवसर पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, सीओ खजनी इंदु प्रभा सिंह, सुमन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा, आपको पता है आपकी घर ने क्या कंप्लेंट करी है? पूनम मनोज साफिया कहाँ है? जैसा कि महिलाओं के जन सुनवाई में होता है कि प्रायः दहेज के मामले, घरेलू उत्पीड़न के मामले या पति पत्नी के आपसी जो झगड़े होते हैं, वैसे ही मामले आते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी मैटर हमारे पास आ जाते हैं, जो जानकारी के अभाव में हमारे पास आ जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास ऐसे सारे मैटर आए हैं, अभी हमने तो शुरुआत की है, हमारे पास 8-10 मैटर अभी हमने देखे हैं, तो उसमें हर तरह के ये मामले आए हैं और हम उसकी सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, जानकारी के अभाव में बहुत से केसेस लोगों के पास लंबित रहते हैं, अलग अलग फोरम पर भी लंबित रहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रचार प्रसार की ज़रूरत है,
लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमको किस फोरम पे किस बात को लेकर जाना चाहिए और इसके लिए न्यायालय में कहाँ कहाँ हमको जा सकते हैं, हमारे मदद के लिए कौन कौन सा कौन कौन से लोग बैठे हैं, कौन सी अथॉरिटी है जिनसे उनको मदद मिल सकती है। ये जानकारी के अभाव में लोग घूमते रहते हैं, उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश है कि हर जनसुनवाई में हम लोगों को ये भी बताएं कि हाँ आपको कहाँ कहाँ से संसाधन मिल सकते हैं। जैसे जिला विधिक प्राधिकरण जो हम सेवा प्राधिकरण है, ये जो ऐसे असहाय लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वैसे लोगों को मुफ्त सहायता के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए विधिक सहायता के लिए लोग वहाँ तक नहीं पहुँचवाते हैं। हम जनसुनवाई में इसीलिए इन लोगों को बुलाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। और जो महिला थाना है, महिलाओं के मामले को महिला थाना पहले एंटरटेन करता है, तो वहाँ जाना चाहिए। तो ये जानकारी हम इनको देने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा अपना एक हेल्पलाइन अभी चल रहा है, क्योंकि पहले हमने लॉकडाउन पीरियड में भी अलग अलग हेल्पलाइन नंबर चलाए थे। शुरुआत में हमने चलाया कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो महिलाएं उस समय प्रताड़ित हो रही थी उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। उसके माध्यम से हमारे पास पूरे देश से हजारों केसेज आए, हमने उसका निस्तारण उसी ढंग से किया। उसके बाद हमने जो असहाय वृद्ध थे, चाहे महिला हो या पुरुष, उनकी सहायता के लिए हमने एक नंबर जारी किया था। तो बहुत से ऐसे लोग जिन तक अनाज नहीं पहुँच पाता था, जो निसहाय अकेले पड़े हुए थे, उन तक हमने सहायता मुहैया कराई। उसके पश्चात हमने जो हमारी मातृत्व की कंडीशन में जो महिलाएं थी, जो मातृत्व के पोजीशन में थी, तो उनको हमने उनके लिए हमने सेवा उपलब्ध कराई। पूरे भारतवर्ष से लगभग 900 मामले हमारे पास आए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनके लिए। और मुझको खुशी है इस बात को कहते हुए कि उसमें से केवल हम दो महिला को नहीं बचा सके, लेकिन बाकी महिलाओं को हमने पूरी सहायता दी। चाहे उनको ब्लड की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, हर सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, ये हमारी उपलब्धि रही। अभी हमने फिर एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हमारी मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी ने वो NCW का वो नंबर जारी किया है। उस नंबर को वो नंबर अपना क्या है, हमने वो नंबर अपना जारी किया है जिसमें हमने लोगों को ये जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि इस नंबर पर हमारे यहाँ अगर पुराने केसेस दर्ज हैं तो उसकी भी जानकारी, और कोई नया मामला कभी भी किसी समय वो लोग कोई भी महिला करना चाहे तो इस नंबर पर वो संपर्क करे। तो हमारी पूरी टीम बैठी हुई है महिलाओं की सहायता के लिए। हमारा वो नंबर है 7827170170। इस नंबर पर महिलाएं सहायता के लिए कभी भी हमसे संपर्क कर सकती हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं को केवल न्याय ही न दिलाएं, जो कानून में महिलाओं के लिए संशोधन की आवश्यकता है वो भी हम उस पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वो संशोधन करके हम मंत्रालय तक भेजते हैं ताकि महिलाओं को सही न्याय मिल सके और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भी अनेक कार्यक्रमों को की रचना हमने की है जो हम लगातार चला रहे हैं। तो हम महिलाओं को हर फोरम पर सशक्त करना चाहते हैं, इसकी दृष्टि से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मैडम, किसान शक्ति अभियान भी चल रहा है और हर थाने पे महिला हेल्प टैक्सी बना है, इसको लेकर के क्या जागरूकता कम है? मैंने कहा ना कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जब तक हम प्रचार प्रसार पूरा नहीं करेंगे तो इसका लाभ सीधा महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि इतना बड़ा अभियान है ये उत्तर प्रदेश का जो कि यहाँ पर चल रहा है, उसका जितना हम व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें उसके लिए सशक्त माध्यम आप लोग भी हैं। आप लोग भी अपने यहाँ इसको लगातार चलाते रहिए और इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से हर व्यक्ति सहयोग करेगा तो हम महिलाओं को स्वावलंबी सशक्त बना सकेंगे।